हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के फंक्शन की और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, किसी मैटर को सेलेक्ट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, बोर्ड कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, कट कैसे करना है, अंडो रेडो और फंक्शन की का उपयोग किस लिए करते हैं, किस शॉर्ट की के माध्यम से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, विंडो क्लोज कैसे कर सकते हैं और शट डाउन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर के फंक्शन की और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा मैटर सेलेक्ट करने के लिए। तो जब अगर आपको पूरा मैटर सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट से आप पूरा सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस बी से आप बोल्ड कर सकते हैं, लिखा आपने जो लिख रखा है उसको बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी क्या होगा, आप मैटर को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी से आप फॉन्ट को खोल सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डी से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई से आप सेंटर में ला सकते हैं, कुछ मैटर लिखा हुआ तो आप उसको सेंटर में ला सकते हैं। अगला दोस्तों, कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एफ से आपका फाइंड होगा। अगला है कंट्रोल प्लस जी तो गो हो जाएगा, गो टू। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस आई से क्या होगा, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे से आपको जस्ट फाइंडेड होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के से क्या होगा, ये हाइपरलिंक खुलेगा, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक खुलेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल से जो होगा, ये होगा लेफ्ट एलिमेंट खुल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम को आपको जो है फाइल को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन तो इससे न्यू फाइल खोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू से आप क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिलोड या राइट एलिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एस से आप जो है फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू तो ये क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, आपको किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना है, किसी भी लिखे हुए मैटर को तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू से, और कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से आप उस मैटर को कट कर सकते हैं, जो आप लिख सकते हैं उसको अगर आपको कट करना है तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई से आप रेडो कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस जेड से अंडो कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी फंक्शन की का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, फंक्शन की का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये तो शॉर्टकट हो गए, अब आप देखिए फंक्शन की को आप कैसे उपयोग करेंगे। दोस्तों, फंक्शन की F1 की बात करें तो हेल्प के लिए उपयोग लाई जाती है, या सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड जो है सपोर्टर सेंटर में ओपन करने के लिए F1 का यूज़ करते हैं। F2 को जो है फाइल को रिनेम करने के लिए दोस्तों जो है उपयोग करते हैं। फाइल या फोल्डर को रिनेम करने के लिए आप सीधा माउस से क्लिक करें या फिर आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं, F2 के माध्यम से आप फोल्डर को रिनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है F3 के माध्यम से आप सर्च कमांड को ओपन कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर हैं या कहीं पर भी हैं, आपको कुछ भी सर्च करना है सीधा इंटरनेट के माध्यम से, तो आप F3 का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो है Alt F4 के माध्यम से आप विंडो जो दोस्तों क्लोज कर सकते हैं, और Alt+4 से आप जो है शट डाउन भी कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को आप किसी भी पहले सॉफ्टवेयर को बंद कर दें आप Alt+F4 से, और लास्ट में जब कोई विंडो खुली नहीं रह जाएगी तो आपका शट डाउन हो जाएगा Alt+F4 से। नेक्स्ट है F5 आप जानते होंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप को आप जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने के लिए आप माउस से रिफ्रेश करिए या फिर आप F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों F6 जो है वो जो है कर्सर को सीधा या एड्रेस बार पर ले जा सकता है F6 से। नेक्स्ट दोस्तों F7 विंडो को जो है विंडो इसे विंडो का यूज़ नहीं होता, लेकिन
एक्सेल जैसी एप्लीकेशन पर इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है एफेट। एफेट दोस्तों विंडो इस्तेमाल करते समय, विंडो को इंस्टॉल जिस समय करते हैं उस समय एफेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है F9। F9 को जो है इसका जो उपयोग होता है उसका कुछ खास उपयोग नहीं होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए F9 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है F10। दोस्तों F10 सॉफ्टवेयर मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है, और ये जो दोस्तों इसको F10 को मेनू सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों F11। F11 ब्राउज़र और बहुत सी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन पर, जैसे छोटी स्क्रीन पर रहता है वो, छोटी स्क्रीन पर चलता है, तो आपको फुल स्क्रीन मोड पर चलाने के लिए F11 का डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। F11 से आप फुल स्क्रीन पर जा सकते हैं और उसको छोटी स्क्रीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों F12। F12 जो होता है दोस्तों वो F2 का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रेस करने पर सेफ विंडो, जो एज ए सेफ विंडो ओपन कर सकते हैं, या आप कंट्रोल प्लस F12 को एक साथ प्रेस करिए और सेफ या सेफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका PRTSC और जो है CS और RQ, इस कमांड के माध्यम से आप कंप्यूटर की स्क्रीन को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो प्लस R। दोस्तों विंडो प्लस R दबाने से आपकी रन कमांड खुलेगी। Alt प्लस टाइप के माध्यम से आप दबाएंगे तो दूसरे विंडो खोल सकते हैं। Shift प्लस टाइप दबाएंगे तो आप जो है दोस्तों इसको पीछे जहाँ पर आप हैं उससे आगे पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, इन तीनों के माध्यम एक साथ दबाएंगे कर तो रिस्टार्ट, लॉग ऑन और शट डाउन और स्लिप तथा टेक्स्ट बार आदि कार्य कर सकते हैं इस कमांड के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों, और इसका उपयोग अगर आपका सेट हैंग होता है तब आप इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है Alt प्लस स्पेस, इस कमांड से दोस्तों मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर जैसे और क्लोज जैसे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है Shift प्लस डेल। Shift प्लस डेल से दोस्तों आपकी फाइल जो होगी वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस Shift प्लस स्पेस, इन तीनों को दबाकर आप टेक्स्ट बार को सीधा खोल सकते हैं। अगला है Shift प्लस एरो, ये जो एरो है दोस्तों Shift प्लस एरो, इस कमांड से आप कॉन्टेक्ट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इंसल्ट। कंट्रोल प्लस इंसल्ट दोस्तों टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आमतौर पर कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आप जो है दोस्तों कंट्रोल प्लस इंसल्ट का भी उपयोग करते हैं तो आप मैटर को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों Alt प्लस टाइप। Alt प्लस टाइप जो है दोस्तों इसको सारे प्रोग्राम जो आपने चला रखे हैं उनको बिना माउस छुए एक एक करके देख सकते हैं, और Alt प्लस टैब दबाकर उनको देख सकते हैं और उन पर जा सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 के माध्यम से दोस्तों हमने आपको बताया कि प्रोग्राम को आप बंद कर सकते हैं और शट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो प्लस D, इन दोनों के माध्यम से आपको जो डेस्कटॉप है उसको उस पर सीधा आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम प्लस और जो कंट्रोल प्लस इंड, किसी का जो डॉक्यूमेंट है उनको शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम और अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है Shift प्लस इंसर्ट, कॉपी की हुई सेलेक्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं, लेकिन Shift प्लस इंसर्ट दबाकर भी आप मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई, दोस्तों कभी कभी गलती से होता है हमने जो काम कर रहे हैं उसको जो अगर आपको कुछ टच हो जाता है तो आप कंट्रोल प्लस वाई से अंडो और कंट्रोल प्लस वाई से सॉरी कंट्रोल प्लस जेड से अंडो और कंट्रोल प्लस वाई से आप रेडो कर सकते हैं। तो अंडो रेडो के लिए दोस्तों ये ऑप्शन है आपको कंट्रोल प्लस वाई कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है दोस्तों विंडो एल। विंडो प्लस एल का उपयोग करके आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। बता दें कि केवल दोस्तों शॉर्टकट विंडो के लिए होता है। नेक्स्ट है विंडो प्लस ई, माई कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए विंडो प्लस ई का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बंद करने के लिए विंडो को लॉन्ग और प्लस एल, विंडो जो होते हैं विंडो होती है उसको विंडो लॉन्ग और एल को उपयोग करके आप बंद कर सकते हैं। आप आसानी से बंद करने के लिए Alt प्लस F4 का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव टाइम से बाहर आने के लिए CSC का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और आप जैसे फेसबुक पर फोटो देखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो आप सीधा वापस आने के लिए ESC को आप प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए टाइप प्लस Alt प्लस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों दूसरे टाइप के लिए Alt प्लस टाइप का भी कंट्रोल प्लस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव विंडो में जाना चाहते हैं तो Alt प्लस स्पेस बार का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे फंक्शन की और शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हमने आपको पहले बताया, शॉर्टकट हैं और फंक्शन की
आप इनकी मदद से आप आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।